हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 75 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 0.5% के करीबन गिरावट देखने को मिली है। वहीं एक महीने में देखें तो इस स्टॉक में 3.5% के करीबन तेजी देखने को मिल रही है और 3 महीने में देखें तो इस स्टॉक में 8.5%, 6 महीने में 12%, 1 साल में 20% और 2 साल में 26% के करीबन गिरावट देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो लगातार स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, परंतु 1 महीने से देखें तो इस स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया। स्टॉक का अराउंड 84 रुपीस का इस पॉइंट पर इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी लेवल पर देखें तो इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब इस स्टॉक का देखें तो नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 57 रुपीस। 57 रुपीज का इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहां से स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 58 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 75 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।